नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आसमान में कल निगहबान तैनात करेगा इसरो। GSAT-1 उपग्रह की लॉन्चिंग की काउंटडाउन होगा शुरू। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमिहीनों के लिए शुरू की न्याय योजना। हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मिली मंजूरी। कोरोना पर होगा दोहरा वार। सीबीआई ने किया चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़ी 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार। राजकुंद्रा की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने किया विरोध। नीरव मोदी और चौकसी की तरह भागने का डर। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा का उपहार देगी योगी सरकार। 20 से 21 से 22 अगस्त मध्यात्री तक मिलेगी सुविधा। यूपी में हर शनिवार लगेगी कोरोना वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी मिलेगी सुविधा। तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा संतोष अग्रवाल निलंबित। यूपी में बाढ़ से हालात चिंताजनक। खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा और यमुना। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद ने अपना कहर। अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस ने दी चेतावनी। 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित न हुआ तो लेंगे जल समाधि। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच अमेरिका ने इसराइल को नॉट ट्रैवल लिस्ट में डाला। ऑन मंडे द स्टेट डिपार्टमेंट सेड इट वुड एक्सपेंड दैट लिस्ट। अपने लिए खुद करनी होगी लड़ाई। अफगानिस्तान के सैनिकों व नेताओं को बाइडन ने दी सलाह। बलूचिस्तान की राजधानी कुवैत में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 5 आतंकी किए ढेर। हमले में बना रही थी योजना। ब्रिटेन सऊदी अरब के उमराह के लिए पाकिस्तान समेत 9 देशों को रेड सिग्नल। ब्रिटेन के रेड लिस्ट में डालने से भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिना कोविड टीकाकरण वाले लोगों पर ट्रेन यात्रा पर लगेगा प्रतिबंध। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर। इंग्लैंड की टीम में शामिल हुआ कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन मोइन अली। इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका। लाइट टेस्ट के पहले सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राइडल चोटिल। ऐसे में उनकी जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को भारत के खिलाफ उतारा जा सकता है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में बड़ा फैसला। देश में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे। युवाओं को खेल से जोड़ की जाएगी कोशिश। एनसी क्रिकेट हेड के लिए बीसीसीआई ने मांगा आवेदन। भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कामरान अकमल ने उगला जहर। भारत पर दिया बड़ा बयान। कश्मीर प्रीमियर लीग पर दिया विवादित बयान। हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म में पहली बार साथ नजर आएंगे प्रतीक गांधी और खुशाली कुमार। इस फैमिली ड्रामा फिल्म को पुलकित के द्वारा किया जाएगा निर्देशित। भंसाली की हीरा मंडी में फ्री में काम करने को तैयार हैं आलिया भट्ट। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी निभा रही हैं मुख्य भूमिका। कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन 23 अगस्त से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। अमिताभ बच्चन शो इस बार भी करेंगे मेजबानी। आमिर खान ने श्रीनगर में पूरी लाल सिंह चड्डा फिल्म की शूटिंग कारगिल के डीएम ने बताया। आमिर खान ने कारगिल में बनाई थी 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क।
टैलेंट हंट शो के जज करेंगे निर्देशक हंसल मेहता, विजेताओं को वेब सीरीज में काम करने का मिलेगा मौका। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।